नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल जियो वी न्यूज़ में। दोस्तों हाल फिलहाल की खबरों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आइए उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप दिन भर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक दे रहा है आपको कमाने का मौका। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बताएंगे, आर्थिक आरक्षण पर जारी आदेश से शिक्षकों की भर्ती में हो गया है पेच। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि बहुत चिंता का विषय बन गया है, 8 साल में भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे, एक देश एक चुनाव के मसले पर छिड़ गई है राजनीतिक बहस। किसी ने बताया है संविधान का खिलाफ तो किसी ने किया है इसका समर्थन। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे, मोदी की सचिवों के साथ बैठक होगी जिसमें से सरकार के 100 दिनों के एजेंडा का अंतिम रूप दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे, जो कि यूपी से है, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की खादी की ड्रेस बांटी जाएगी, योगी सरकार का कहना है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे, जापान में भूकंप के तड़के झटके महसूस किए गए, बुलेट ट्रेन की सेवाएं भी रोक दी गई है, सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम आपको बताएंगे, स्पीकर के चुनाव में ओम बिरला का समर्थन करेगा यूपीए, एक राष्ट्र एक चुनाव का फैसला नहीं है। जी हाँ दोस्तों खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को जरूर से दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी की सचिवों के साथ बैठक, सरकार के 100 दिनों के एजेंडे का अंतिम रूप दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के प्रथम बजट में पहले वित्त और अन्य मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 100 दिनों के एजेंडे का अंतिम रूप देने पर जोर दिया है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में वित्त मंत्रालय के सभी 5 सचिवों के अलावा कुछ अन्य अधिकारियों के और नीति आयोग के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। यह समझा जा रहा है कि उच्च स्तरीय बैठक में कम से कम समय में देश को $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार के 5 वर्ष के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है। माना यह जा रहा है कि बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको पेयजल, सबको बिजली समेत प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भविष्यवाणी की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श हुआ है। कृषि क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए पिछले हफ्ते मोदी ने कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए जाने, निजी निवेश बढ़ाए जाने, किसानों के बाजार समर्थन उपलब्ध कराने और लॉजिस्टिक व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संभवतः सभी विभागों के साथ सुझावों को रूपरेखा पर विचार किए जाए, ताकि देश के कारोबार की अर्थव्यवस्था और सुगम की जा सके और अर्थव्यवस्था में तेजी और बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि बैठक में राजस्व बढ़ने और सुधारों के जरिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के स्तर को तेज करने के उपयोग पर भी यह संभावना चर्चा हुई है। उल्लेखनीय यह है कि वित्त वर्ष 2018 और 19 में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर के 6.8 पर हो गई है और यह 5 साल का सबसे निचला स्तर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता दें दोस्तों, चिंता का विषय बन गया है, 8 साल में भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, इससे सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भारत की जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, यही हालत रहे तो साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि 9 देशों में होगी, जिसमें भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथोपिया, तंजानिया, इंडोनेशिया, मिस्र और अमेरिका देश शामिल है। वहीं बच्चे पैदा होने की दर दिन प्रतिदिन कम हो रही है। कई देशों की बूढ़ी होती आबादी की भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 2019 में दुनिया की जनसंख्या 7.7 अरब है, वहीं 2050 तक दुनिया की जनसंख्या 9.7 अरब हो जाएगी और 2100 तक दुनिया की आबादी करीबन 11 अरब को छू लेगी और 2019 में हर 11 में से एक व्यक्ति की उम्र 65 साल से ज्यादा हो रही है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के अवर महासचिव लियू झेनमिन ने कहा है कि सबसे तेज गति से आबादी अधिकांश मामलों में गरीबी और देश में पैदा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसी सदी के अंत तक भारत की आबादी करीबन 150 करोड़ हो जाएगी। वहीं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नीतियों के कारण चीन की आबादी 110 करोड़ पर रुक जाएगी और 40.30 करोड़ की आबादी के साथ पाकिस्तान 5वें नंबर पर हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम आपको बता दें दोस्तों, यदि आप दिन भर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, फेसबुक दे रहा है कमाने का मौका। जी हाँ दोस्तों, डेटा बीच और राइट टू प्राइवेसी की चर्चाओं के बीच अब फेसबुक अपने लिए आपके लिए खास ऑफर दे रहा है, जिसमें अपनी डेटा हिस्ट्री फेसबुक के साथ शेयर किया जा सकता है और पैसे भी कमाए जा सकते हैं। अब तक आपको अपना पर्सनल डेटा चोरी कर रही कंपनियों से शिकायत करनी होती थी, लेकिन ये खबर सुनकर के आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी इंटरनेट हैकिंग जानने के बदले फेसबुक आपको पैसा देगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी दिन भर अपने मोबाइल हो, लैपटॉप या फिर टैबलेट पर और अन्य डिजिटल गैजेट्स के साथ सर्च करते रहते हैं और इसकी जानकारी फेसबुक को देकर आप पैसे कमा सकते हैं। ऐसे में आपको यह समझिए कि आपकी डिवाइस को दिन भर लगातार टेस्ट किया जाएगा, जिसमें से आपके कॉल डिटेल, मैसेजेस, फोटो और वीडियो को छोड़कर के बाकी डेटा को ट्रेस किया जाएगा, यानी कि वो सभी चीजें जिससे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है स्टडी, जिसकी मदद से फेसबुक अपने यूजर्स को इंटरनेट हैकिंग का रिसर्च करना चाहता है। फेसबुक ने साफ कर दिया है कि यूजर्स से इस स्टडी में किसी तरीके के आईडी या पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा, साथ ही यूजर्स के फोन से फोटो, वीडियो और मैसेजेस भी नहीं लिए जाएंगे। इस प्रोग्राम में एनलॉग करने के लिए फेसबुक ऐड चलाया जाएगा, जिसमें से आपको प्ले स्टोर से ज्यादा ऐप डाउनलोड नहीं करना होगा और आपको इस प्रॉब्लम को एनरोल करनी होगी और 18 साल से ऊपर के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर यह आप पैसा कमा सकते हैं कैसे। जी हाँ दोस्तों, अभी फेसबुक ने अभी साफ नहीं किया है जिसमें से आपको डाटा के बदले पैसा देगा, लेकिन यह जरूर है कि आप किसी भी समय इस प्रोग्राम से बाहर हो सकते हैं या फिर आ सकते हैं, यानी फेसबुक के साथ आपका डेटा शेयर करने से मना भी कर सकते हैं। हैरानी की बात यह होगी कि फेसबुक ने इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ अमेरिका और भारत के देशों के यूजर्स को ही चुना है और किसी देश के यूजर्स में इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। फेसबुक ने यह भी दावा किया है कि यूजर्स का डेटा पूरी तरीके से सिक्योर रखा जाएगा और फेसबुक इसे किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर भी नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि आर्थिक आरक्षण पर जारी आदेश से शिक्षकों की भर्ती में हो गया है पेच। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक आरक्षण पर जारी एक आदेश से देश भर में उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के फिर से पेच हो गया है। संस्था इस असमंजस में है कि नई आरक्षण व्यवस्था सभी नियुक्तियों पर लागू होगी या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती के लिए ही लागू हो जाएगा। अब तक आरक्षण सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर लागू होता था, लेकिन 2 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संस्थाओं के विभागवार आरक्षण लागू करने का भी फैसला किया था। इसके साथ केंद्र सरकार ने अध्यादेश लगा करके उसमें बदलाव भी किया था और 7 मार्च को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नियुक्तियों के लिए नया आदेश भी जारी कर दिया गया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विवादों के कारण संस्थाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यह राय मांगी गई है और आरक्षण पर सही स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है, हालांकि यूपीजी के अधिकारियों ने इस मामले में नहीं आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव के मसले पर छिड़ गई है राजनीतिक बहस, किसी ने किया है समर्थन तो किसी ने बताया संविधान के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन की सोच को आगे बढ़ाने का फैसला लोकसभा में मौजूद सभी पार्टियों के अध्यक्षों के लिए बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार, 2022 में आजादी के 75 वर्षगांठ के जश्न और महात्मा गांधी के इस साल में 150वीं वर्षगांठ की जयंती पर मनाने का भी विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल से इस संवेदनशील मुद्दे पर फिर से एक बार राजनीतिक बहस छिड़ गई है। ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी यह मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को बीजेपी या मोदी के एजेंडे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, यह देश का एजेंडा होना चाहिए। जी हां दोस्तों, नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने एनडीटीवी में कहा है कि इस साल से इस प्रस्ताव का विरोध कर रही कांग्रेस इस बैठक से पहले अपने पत्ते नहीं खेल रही है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा है कि उनकी पार्टी इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर के कोई फैसला करेगी और उन्होंने कहा है कि अभी कहना मुश्किल हो गया है कि प्रधानमंत्री की बैठक में इसके पक्ष में है या फिर विपक्ष में है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि जो कि जापान से है, जापान में भूकंप के तड़के महसूस किए गए हैं।
जी हाँ दोस्तों, बुलेट ट्रेन की सेवाएं रोक दी गई है और सुनामी की चेतावनी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जापान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मंगलवार को 6.7% वाली शक्तिशाली भूकंप के बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी करने के लिए लगभग 2.5 घंटे के बाद उसे वापस ले लिया था। भूकंप के कारण हजारों घरों में बिजली चली गई है और बुलेट ट्रेन की सेवाएं भी रोक दी गई है। हालांकि भूकंप से लोगों के गंभीर रूप से घायल होने या क्षति होने की अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है। जापान के मौसम एजेंसी का कहना है कि भूकंप यमगता में लगातार 50 किलोमीटर दूर हो सकता है और शहर के दक्षिण में यह पाया गया है। एजेंसी के यामगता के तट पर 1 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका जाहिर की गई है। भूकंप के घायलों और नुकसान का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में इस आपात प्रक्रिया की एक टीम बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां पर 13 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, चीन के सिंगचुआन प्रांत में सोमवार रात और मंगलवार सुबह भूकंप के 2 शक्तिशाली झटकों में से कम 13 लोग मारे जाने की खबर आ रही है। वहीं करीबन 200 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सरकार ने मलबे में से निजी लोगों को निकालने का भी प्रयास कर रही है।